पिस्टल, मशीन गन, या मिसाइल, हथियार चाहे जो हो, हाथ इनके ही होता है। वो ट्रेनिंग जो देश के दुश्मनों को ठिकाने लगाती है। वो गोलियों की बौछार जो हमलावर के दिल को दहला देती है। वो सबक जो हर सवाल का जवाब हो। यहां तक कि हथियारों की गैर मौजूदगी में भी वो कम खतरनाक नहीं होते। जज्बा, जोश, जुनून और उसूल जांबाजों को यही तो सिखाता है दी इन्फेंट्री स्कूल। हम जैसे आम आदमी के लिए ऐसे हथियार से फायर कर लेना भी काफी होता है, लेकिन सेना के जाबाजों के लिए फायर का मतलब अचूक निशाने के साथ लक्ष्य साधने से भी होता है। कम वक्त में टारगेट हिट करना ही असली मकसद होता है, जिसमें जरा सी भी चूक की कोई गुंजाइश नहीं होती है। यूं तो जवानों के हाथ में सिर्फ बेनेट ही दुश्मन से निपटने के लिए काफी है, जो उसके लिए तलवार का काम करती है। इस हाल में उसका मुकाबला करना किसी को भी भारी पड़ सकता है। लेकिन सोचिए, अगर इन हाथों में हथियार हों तो जंग के मैदान में वो कितना कहर बरपा सकता है। पर बदलते वक्त के साथ जरूरतें भी बदली हैं। निशाना 25 मीटर पर हो सकता है तो 2000 मीटर पर भी, क्या पता कब कैसी जरूरत पड़ जाए। लिहाजा मुकम्मल ट्रेनिंग जरूरी होती है, और जब बात नए जमाने के हथियारों की हो तो शुरुआत होती है पिस्टल से। अगर दुश्मन नजर के सामने हो तो पिस्टल से बेहतर हथियार कोई दूसरा नहीं, जिसकी कारगर रेंज 15 मीटर है और मैगजीन 12 राउंड से लैस होती है। फुर्ती ऐसी कि 6 सेकंड में 6 फायर। लेकिन मुश्किल इस बात की है कि एकदम सटीक निशाना आसान नहीं होता, लगातार और कड़ी प्रैक्टिस जरूरी है। इंडियन आर्मी के इन्फेंट्री सोल्जर का सबसे खास हथियार नाम इंसास राइफल है, जो जवानों के लिए जिस्म के किसी हिस्से से कम नहीं होता। राइफल शुरू से ही फायर ना करे या अपने देश में बनी इंसास की कारगर रेंज 400 मीटर है और मैगजीन में 20 राउंड आते हैं, जबकि फायरिंग की रफ्तार 1 मिनट में 60 राउंड की है। इंसास के इस्तेमाल में हमारे जवानों ने कैसी महारत हासिल कर रखी है, ये उसकी मिसाल है। यह एक बहुत ही कारगर और उम्दा हथियार है। कितना भरोसा है आप लोगों पर इस पर? इसके ऊपर हमें 100% भरोसा रखते हैं, इस हथियार के ऊपर, जो एक जवान का जाती हथियार है। क्यों? ये जाती हथियार इसलिए क्योंकि ये हमारे साथ, हमारा सपोर्ट लड़ाई के मैदान पर, हमारी एक फैमिली की तरह रहता है।
इन तस्वीरों को देखकर ऐसा मत सोचिए कि जवानों के हाथों में सीधे हथियार थमाकर निशाने को मार गिराने को कहा जाता है। सेना की बेहद मशहूर और उतनी ही आम कहावत है, एक गोली एक दुश्मन। प्रोफेशनल ट्रेनिंग जिसके अंदर जो बेसिक इन्फेंट्री टैक्टिक्स हैं, बटालियन सपोर्ट वेपन्स हैं और इन्फेंट्री यूनिट्स के अंदर जो भी नए इक्विपमेंट को आजकल इंट्रोड्यूस किया जा रहा है उनके ऊपर हम सिखलाई देते हैं। इस आधुनिक युग में विज्ञान इन्फेंट्री स्कूल में आने वाले यंग ऑफिसर और जवानों को पहले खास ट्रेनिंग दी जाती है। ये बात मायने नहीं रखती कि उन्हें पहले से ही बुनियादी बातें पता होती हैं। शुरुआत क्लासरूम से होती है और फिर हाथों में हथियार थमाए जाते हैं। हथियार कैसे पकड़ना है, कैसे फायर करना है, हर चीज बताई जाती है। और हाँ, अगर हिंदी नहीं आती तो ट्रेनिंग अंग्रेजी में भी हो सकती है, क्योंकि आने वाले सिर्फ हिंदुस्तान से ही नहीं मित्र देशों के चुनिंदा जांबाज भी होते हैं।